to be the grow things in modern India. Dr. Sikandar Kumar. Thank you, sir. Thank you. धन्यवाद सर, आपने मुझे भारतीय अर्थव्यवस्था पर श्वेत पत्र पर चर्चा करने के लिए बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। मान्यवर, विभिन्न वैश्विक दबावों और चुनौतियों के बावजूद जिस कुशल वित्तीय प्रबंधन और आर्थिक नियोजन का मोदी सरकार ने परिचय दिया है, उसके लिए मैं मोदी सरकार और माननीय वित्त मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और इस बेहतर आर्थिक प्रबंधन और वित्तीय नियोजन का ही ये परिणाम है कि आज भारत में देखें तो हर क्षेत्र में, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, साइंस का क्षेत्र हो, मेडिकल का क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग हो, एयर कनेक्टिविटी की बात करें, रेल कनेक्टिविटी की बात करें, रोड कनेक्टिविटी की बात करें, हर क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास इस देश में हुआ है। मैं मान्यवर, जो आर्थिक नियोजन की वजह से जो पूरे विश्व की अगर 7 इकोनॉमी की, टॉप वर्ल्ड 7 इकोनॉमी की बात हम करें, तो उन 7 टॉप इकोनॉमी में अगर सबसे बढ़िया ग्रोइंग इकोनॉमी कोई है तो हमारे देश की भारत अर्थव्यवस्था जो 7% से ज़्यादा ग्रो कर रही है। और कॉस्ट ऑफ लिविंग अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम बात करें तो कॉस्ट ऑफ लिविंग अगर किसी देश की बेहतर है तो हमारे देश भारत की है। चाहे कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन की बात करें, कॉस्ट ऑफ कंजम्पशन की बात करें, चाहे कॉस्ट ऑफ एनर्जी की बात करें, पिछले कुछ 7-8 वर्षों से हम देखें तो इन्वेस्टमेंट ग्रोथ हमारे देश में लगातार बढ़ रहा है, बैंक क्रेडिट ग्रोथ लगातार बढ़ रहा है। अगर 2014 की बात मैं करूं, इंडिया की जो फॉरेन रिजर्व थी वो $304.2 बिलियन थी और आज 2024 में ये डबल होकर $618.94 बिलियन हो गया। ये बेहतर आर्थिक नीतियों का ही परिणाम है, ये मोदी जी की नीतियों का ही परिणाम है। मान्यवर, मैं जो मंथली ग्रॉस GST कलेक्शन की बात मैं करना चाहूँगा, फाइनेंशियल ईयर 2018 में जहाँ पर 0.99 लाख करोड़ या हमारे देश में थी, आज 2024 में बढ़कर 1.7 लाख करोड़ ये हो गई है। और जहाँ तक इन्फ्लेशन की बात हम करें, 2014 में जहाँ पर इन्फ्लेशन रेट 9.4% था, आज 2024 में घटकर ये 5.5% रह गया है। ये बहुत ही दूसरा जो GNP ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग असेट्स एज ए परसेंटेज ऑफ ग्रॉस एडवांसेज जो 2018 में 11.2% से आज घटकर सितंबर 2023 में 3.2% रह गए हैं। और डिक्लाइनिंग अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे हमारे विपक्ष के लोग कह रहे थे कि अनएम्प्लॉयमेंट का क्या हुआ, मित्रों 2017-18 में जहां पर 6.1% अनएम्प्लॉयमेंट इस देश का था, आज 2022-23 में ये घटकर 3.2% हो रहा। ये दर्शा रहा है कि किस तरह से जो है मोदी सरकार की नीतियों की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट देश में घटी है। और करंट अकाउंट डेफिसिट एज ए परसेंटेज ऑफ GDP जो 2014 में हमारे 2% के लगभग था, आज घटकर 2024 में ये लगभग 1% हो गया है। ये बेहतर आर्थिक नीतियों का ही परिणाम है। मान्यवर, मैं कुछ आंकड़े आपके माध्यम से जो 2004 और 2014 के बीच में जो UPA की सरकार थी और 2014 और 2024 के बीच में जो NDA की सरकार में मैं रखना चाहूँगा। देश की GDP जो 2004 और 14 के बीच में 98 लाख करोड़ थी, 2015 और 23 के बीच में बढ़कर 159.7 लाख करोड़ हो गई। ये भी दर्शाता है कि मोदी सरकार की नीतियों की वजह से देश कैसे आगे बढ़ रहा है। प्रति व्यक्ति आय की बात हम करें तो 2004-14 के बीच में जहां प्रति व्यक्ति आय 86,454 रुपये थी और आज ये बढ़कर 2024 में 1.5 लाख से ऊपर पहुंच गई है। ये मोदी सरकार की नीतियों का ही परिणाम। आयकरदाता जो 2004 और 14 के बीच में 3 करोड़ 80 लाख थे, आज ये बढ़कर 6 करोड़ 70 लाख अर्थात दुगने हो गए हैं। सर, 2 मिनट मेरी ये मेडिन स्पीच है। 2 मिनट्स इज टू लॉन्ग, योर ओरिजिनल टाइम वाज 4 मिनट्स ओनली। 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट 30 सेकंड्स कंक्लूड। डिफेंस एक्सपोर्ट सर 1941 करोड़ 2004-14 के पीरियड में था, आज ये बढ़कर 16,000 करोड़ हो गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था जहां दुनिया में 10वें स्थान पे है, आज ये 5वें स्थान पर हो गया। और मुझे पूरा यकीन है कि मोदी जी की तीसरी टर्म में ये 2027 तक तीसरी विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी। और मोदी जी विजयपाल सिंह तोमर 400 से ज्यादा जो है। थैंक यू।
धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। सबसे पहले मैं तोमर जी, 7 मिनट्स।